नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृहलक्ष्मी में। आज हम जानेंगे 2023 में रामनवमी कब है। बन रहे हैं इस दिन तीन शुभ योगों का अद्भुत संयोग। ये उपाय दिलाएंगे जीवन में अपार सफलता। रामनवमी का दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन भगवान राम का जन्म होने के कारण उसे रामनवमी कहते हैं। इस साल रामनवमी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि को रामनवमी पर्व मनाया जाता है। इसी दिन अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर भगवान राम ने जन्म लिया था। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी के दिन दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इस साल रामनवमी का पर्व 30 मार्च 2023 गुरुवार को मनाया जाएगा। वही चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 22 मार्च 2023 से शुरू होगी और 30 मार्च को रामनवमी के दिन समाप्त होगी। इस साल रामनवमी पर कई शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। तो दोस्तों, आगे जानते हैं रामनवमी तिथि प्रारंभ और शुभ योग। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 29 मार्च 2023 की रात 9:07 से आरंभ होगी और 30 मार्च को रात 11:30 पर समाप्त होगी। इस दौरान रामनवमी की पूजा का मध्यकाल मुहूर्त सुबह 11:17 से दोपहर 1:46 तक यानी कि 2:28 का रहेगा। इस बार 30 मार्च को रामनवमी पर्व के दिन तीन बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। रामनवमी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में की गई पूजा और उपाय बेहद शुभ फल देते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए करें रामनवमी के दिन ये उपाय। यदि घर में वास्तु दोष, नजर दोष, तंत्र मंत्र बाधा हो तो रामनवमी के दिन एक कटोरी में गंगा जल लेकर भगवान श्री राम के रक्षा मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार जाप करें। फिर इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। हर तरह के दोष दूर होंगे। धन लाभ के लिए रामनवमी के दिन रामाष्ट का पाठ करें। वहीं प्रभु श्री राम की विधि विधान से पूजा करके चंदन का तिलक लगाएं और राम स्तुति पढ़ें। इससे कामों में सफलता मिलेगी। भगवान राम की पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से प्रभु राम की अपार कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। रामनवमी के दिन रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से सारे काम बनने लगते हैं। इससे जातक का भाग्योदय होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।